राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह से इतना काम हो गया आज कि ब्लॉग तो बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है। और शाम के बज चुके हैं, कपड़े भी मैंने अभी धोए क्योंकि सुबह अमावस थी। और सुबह थोड़ा सा ही मैंने अपने हाथ से थोड़ा सा सूट किया है, जब सब्जी बन रही थी बस वो ही दिखाया क्योंकि बच्चे उस टाइम सोए होते हैं और सुबह जल्दी ही। और एक बहन ने मेरी ने पूछा था कि क्या दीदी आप श्राद्ध नहीं करते हो, आपने श्राद्ध की कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो मेरा हाथ कांप रहे हैं अभी, एक मिनट रुकना, क्योंकि आज काम बहुत काम तो रोज ही होता है लेकिन आज तो इतना हो गया कि शाम हो गई और फ्री नहीं हुई हूँ अभी तक भी। और अब जाएंगे हम देवी लेने, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सूट कर लेते हैं। सुबह से तो मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और एक भाई ने बोला था, नहीं एक बहन ने बोला था कि आप श्राद्ध नहीं करते हो, भाई का बाद में पूछूंगी, भाई ने भी बोला था कुछ, तो बहन ने बोला था कि आप श्राद्ध नहीं करते हो दीदी। तो श्राद्ध तो देखो हम करते हैं लेकिन सूट नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे सोए होते हैं उस टाइम पे। श्राद्ध मेरी दादी सास का होता है, पड़वा बोलते हैं, तो पड़वा को। और ससुर का होता है दोज का, तो वो भी किया था। और दादा ससुर का होता है दसवीं का, वो भी किया था। श्राद्ध सारे किए थे। और सासू माँ का इस बार पहला था, तो वो देवर ही करेंगे वहाँ गाँव में, जिन्होंने कहते हैं जो अंतिम संस्कार करता है, मतलब जो वो क्रिया करता है वो ही, मतलब वो चीज़ फिर उन्हें इस बार उन्हें ही करना था तो हमें नहीं करना था। तो सारे श्राद्ध किए हैं, ऐसा नहीं है बस आपके साथ। अब देखो सभी सूट नहीं कर पाते हैं, आप भी समझ सकते हो कि हम 6 मिनट की, 7 मिनट की और 10 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा वो नहीं दिखा पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे जगह होते हैं तो कई बार सूट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जब अमावस का सुबह देखो जल्दी ही करना होता है, बच्चे सोए हुए थे तो मैंने सारा का जो भी था और जो रोटी वगैरह जो निकालनी थी आज सभी की, बाकी तो जब भी किया था, जो आज क्रिया करनी थी मतलब जो आज पूजा करनी थी, मतलब जो आज का था प्रोसेस, वो भी मैंने सारा कर लिया है और अब आपके साथ शेयर करेंगे। अब चल रहे हैं हम देवी लेने। और कल भी सोच रही थी जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम हो रही है, टाइम का। मैं सोचती हूँ जाऊँगी, अभी भी मुझे शाम का टाइम हो गया और काम संभालने में नहीं आ रहा क्योंकि अभी देवी लेके आई हूँ झांझी, तो वो लगानी भी है और गाय का गोबर भी लाना है। अभी जाऊँगी और देखती हूँ, जाऊँगी या दीशु को भेजती हूँ, नहीं तो फिर खाना बनाना है और फिर प्रेस करनी है और फिर सुबह फिर वही मंदिर साफ करना और घर का झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना, चाय बनानी, वो सब के घर में वही रेगुलरी काम वो जो होता है। और व्रत का सामान भी लेके आ गई हूँ मैं आज सारा। अब मैं क्यों बता रही हूँ सारा काम, क्योंकि सब कह रहे हैं कि तुम दिखाते नहीं हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जितना काम था सुबह झाड़ू पोछा जो भी काम पहले सुबह जल्दी करके और अमावस का करके फिर मैं ले आई हूँ सामान भी सारा। और दिन में बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ, अब तक भी बिल्कुल नहीं लेटी, थकान इतनी फील हो रही है। और अभी कर लेते हैं। और वैसे तो देखो ये चीज़ अच्छी भी लगती है और अपने आप अंदर से हो भी जाता है कि अपने आप ही खुशी सी होती है जब कोई त्यौहार होता है तो हो जाएगा सब। लेकिन आपके लिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने सोचा पहले आप सबसे बातें कर लें और वीडियो स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो, आपको भी साथ लेके चलते हैं जहाँ भी जाएंगे। ये आप सबके साथ शेयर किया था कि सुबह मैंने बनाया था, ये बनाई थी मैंने आलू और टमाटर की सब्जी। और तो मैंने सुबह अपने हाथ से ही कैमरे से आप सबके साथ मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, ये खीर बनाई थी खीर, क्योंकि मेरे घर में ना मीठा बहुत कम खाते हैं, जितना यूज हो जाए इतनी ही चीज़ बनानी चाहिए। तो आजकल तो वैसे भी सबके तो परहेज चल रहे हैं तो जितना हो सकता था। और फिर बनाई थी मैंने पूड़ियाँ और करती हूँ मैं, वो ही कह रही थी श्राद्ध, तो ये मैं जा रही थी सब काम फ्री करके माता रानी का, निकल गई थी जैसे ही आपसे बात की ऐसे ही निकल गई थी और मैं आपसे बात कर रही थी। और मासी की बेटी भी आई हुई थी और उनकी जेठानी थी, हमारी भी वो देवरानी जेठानी ही लगती हैं क्योंकि एक ही गाँव के हैं तो इसलिए याद आ जाती है, तो तेज झोलने लगती फिर बताते हैं। तो रस्ते का फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही वीडियो बना लेते क्योंकि वीडियो तो कोई बना ही नहीं था। और ये मैंने आज पहली बार इतना बड़ा रिस्क लिया, जो देखेंगे परिवार वाले वो भी कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। रस्ते का थोड़ी सी क्लिप मैं ले रही थी जब जा रहे थे, तो कहीं कहीं से क्लिप लिए बातें कर रहे थे क्योंकि फोन छीनने का डर होता है, हाथ में से छीनने का भी डर होता है। और मैं रोड पे चलती बार इस तरह से वीडियो बना रही थी,
तो बहुत रिस्की काम था। अभी आप देखोगे मुझे कई बहनों ने और जो रास्ते में जो भी मिला उन्होंने टोका है कि आपका फ़ोन छिन जाएगा, आप क्या कर रहे हो। फिर भी मैंने बना लिया वीडियो आप सब के लिए रास्ते का। मैंने कहा कोई भी आप तो ब्लॉग ही सूट नहीं हुआ, क्योंकि है ना पूरा दिन ही ही चला गया सफाई में, और काम तो पूरे दिन का काम ही ख़त्म नहीं होता। आज तो वो बहुत थक गई थी इस टाइम पे, जब जा रही हूँ जब भी बहुत थक गई थी, और आने के बाद भी पता चला कि बिल्कुल भी आज तो कुछ घर में मतलब जो भी था। फिर आके देवी लगाई थी और तो फिर वो ही काम हो गया, और गोबर दीसू लेने भेजा था क्योंकि मैं बहुत आके, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, बहुत ही दूर पड़ता है ये, पता नहीं कैसे कैमरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला और मैंने देखा नहीं, ये देखे रास्ते में बहुत दूर पड़ जाता है जहाँ से हम देवी, ऐसे तो घर के सामने भी जगह जगह लगा के रखते हैं, पर होता है ना कि भाई हमें वहीं से लानी है, हर बार वहीं से लाते हैं, और जहाँ पे हम जा रहे हैं ना तो उन्हें कुम्हार जो उनके यहीं चाक पूजने भी जाते हैं, जब कभी देवर की शादी हुई है या जिन घर में किसी की भी शादी हो तो वहीं पे जाते हैं, तो बहुत काफ़ी दूर पड़ जाता है वो, तो वहीं जा रहे हैं और आप सबसे के साथ वही शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा देख लो मैं यही सूट कर रही थी, अभी देखो यही कोई बोलेगी, देखो बोल दिया कि तुम्हारा फ़ोन छिन जाएगा, क्या कर रहे हो तुम। इन्होंने बोला है कि तुम्हारा फ़ोन छिन जाएगा, मैंने कहा तुम बचा लेना हमें अगर कोई ले जाए तो, कह रही कि कोई नहीं पाएंगे भी नहीं वो छीन के भग जाएंगे। तो मैंने वापस से कहा कि मैंने कहा तुम रोक लेना बचा लेना हमें हमारा फ़ोन, तो कह रही है कि कोई वो तो किसी के, और फिर है ना वो कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि कोई अपनी जान क्यों, बस बता नहीं सकती मैं कितनी बुरी हालत करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा बस आप सबके लिए बनाई ली, आज का वीडियो बहुत रिस्की था, बहुत रिस्क से भरा हुआ था। ये देखिए ये फिर पहुंच गए थे वहाँ पे कुम्हार के यहाँ पे जो बोलते हैं, तो यहाँ सब लगा हुआ था इनके यहाँ पे, ये देखो इनके यहीं से लेते हैं हर बार ही, बहुत अच्छी लेडी हैं, और कहते हैं ना बातों से ही होता है कि बहुत अच्छा बोलती है, तो हमारा कहीं भी लेने का मन नहीं करता कि भाई एक बातों से ही आदमी ऐसे खरीद लेता है कि मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छी लेडी हैं ये, मतलब जितनी बार जाएंगी जाते ही के साथ, और कभी नहीं जाएंगी यार तुम आए नहीं थे, और ये बैठी हुई हैं तो इन्होंने बोला कि अंदर आप अंदर चले जाओ, अंदर भी लगी हुई थी ये हाथ की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, मतलब हाथ से जो बनाई हुई मशीन की नहीं है। तो झांझी लेने गए थे हम, आप सबको बताया नहीं, मैंने बता देती हूँ, तो सब कुछ ही मिल जाता है इनके यहाँ पे, तो इसलिए जाते हैं। तो ये पसंद कर रही है दोनों, देवरानी जेठानी और मैं वीडियो बना रही हूँ बैठ के। ये इनकी बहू थी जो बाहर, दीदी जो बैठी हुई थी उनकी बहू थी ये, और नारियल वगैरह सभी कुछ मतलब जौ वगैरह सभी यहीं से, और फिर बाद में लाई थी मैं जाके, यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट जाना पड़ा क्योंकि सारा सामान लेके आना था व्रत का सुबह तैयारी के लिए, तो वो तो वीडियो फिर नहीं बनाई मैंने डर की वजह से, फिर तो बस वही जो सूट हुआ वहीं पे किया था। तो ये बहन भाई थे झांझी के, तो ये भी ले लिए थे, और जो जिस तरह से भी हमारे यहाँ होता है वो शेयर करूँगी। और इस टाइम मैंने देवी लगा दिए, देखो वो सूट नहीं हुआ क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए थे तब मैंने किया, और आज तो अंधेरा हो गया था बहुत लेट हो गई थी मैं, तो मैंने कहा तुम मेरे लिए भी निकाल लो और अपने लिए भी, तो ये बेचारी निकाल रही हैं। और आप सबको भी ये इस तरह से कहीं जाने की मतलब सूट करो, मुझे भी मैंने भी देखती हूँ तो अच्छा लगता है, तो मैंने भी आप सबके साथ इसीलिए शेयर किया, और मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं था इसलिए भी शेयर किया क्योंकि व्लॉग भी बनाना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, हम तो सोच रहे थे कि हम ही करते हैं सब, बहुत जगह होती है ऐसा नहीं है, तो नहीं तो बहुत सी तो हम में भी करने लगी है कि नहीं गांव में होते थे तो हम करते थे यहाँ पे नहीं करते, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, गांव में हो या यहाँ हो तो है तो घर ही सब जगह ही बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये चीज़। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, और ये छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ आप सबको पता भी है, तो छोटा सा वीडियो है, और क्योंकि व्लॉग नहीं बना था सुबह से बिल्कुल भी, बहुत टेंशन हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा जो सूट किया है वो अभी का है, और अब देखते हैं आपके साथ कल, बाकी कल शेयर करेंगे जो भी होगा जितना भी सूट हो पाएगा हमसे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते जी।